ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। मैं 26 मार्च 1984 को स्टेट बैंक पैनल के तहत बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया। मेरा रैंकिंग पूरे बिहार, उस समय झारखंड नहीं बनी थी, पूरे बिहार में चौथा स्थान। पटने में बात होने पर उन लोगों ने मुझे गोमिया की पोस्टिंग बैंक ऑफ इंडिया में दी। मैं 26 मार्च 1984 को गोमिया बैंक शाखा में अपने यहाँ गुरुजी श्री चंद्र माधव सिंह और डॉक्टर आर के सिंह, उन लोगों ने मुझे पकड़ कर यहाँ से ले जाकर ज्वाइन करवाया। उस समय मेरे पास कुछ विशेष साधन नहीं थी, मैं बस से ही आना जाना करता था। बैंकिंग समय 10:30 से 5:30 की थी। उधर से भी मैं बैंक कर्मियों के सहयोग से जल्दी छूट जाता था और करीब 5 बजे ही अपने घर आ जाता था और आकर सीधा फील्ड में चला जाता था, जाकर वहां पर फुटबॉल खेलता था। इस तरह से कुछ दिन गुजरे कि अचानक इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इस तकरीबन करीब 3 दिन तक गोमिया से मुझे तेनूघाट पैदल ही आना जाना पड़ा था, लेकिन उस करने पैदल चलने में भी एक अलग आनंद था, एक उत्साह थी। उम्र मेरी करीबन उस समय 21 के आसपास की थी। मैं उस तरह से कुछ दिन ड्यूटी किया, फिर 86 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन और करने के बाद बैंक में निरंतर अपना कार्य चलता रहा, लेकिन बैंक कर्मियों और इच्छा को रखने के लिए मुझे बिहार में ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया। मैं उस समय झारखंड नहीं बना था, मैं बिहार के कर्मचारी यूनियन का पदाधिकारी भी बना और आज तक मैं उस चीज को निवारण कर रहा हूँ। बैंक के सहकर्मियों के साथ जो पूरे झारखंड और बिहार में अपनी अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए मुझे थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन अच्छे सबका सहयोग और प्रेम मुझे मिलता रहा। इसी बीच पिताजी की भी तबीयत थोड़ी खराब हुई। आँख के कई इलाज कराने के लिए मैं पत्नी के साथ और छोटी बेटी को लेकर सीतापुर यूपी गया। वहाँ करीबन 1.5 महीना तक हम लोगों साथ रहकर उनका इलाज कराया, फिर उन्हें सकुशल और अच्छे स्वास्थ्य कराकर तेनूघाट लाए। बाद में फिर उनके अच्छे स्वास्थ्य का चेकअप के लिए अपोलो में हम लोगों ने उनका एडमिट कराया और अंततः वहीं उनका देहावसान हुआ। मेरे भाई बहन सब हम लोग साथ में एक बड़ी फैमिली के रूप में यहाँ रहते थे, बड़ा आनंद से जिंदगी गुजर रही थी। पिताजी के फिर गुजरने के बाद माँ की देखभाल की अंतोगत्वा माँ का भी देहावसान हुआ। सारे कार्यक्रम को हम लोगों ने यहीं तेनूघाट से ही संपन्न किया। फिर बहन लोगों की शादी थी, बहन लोगों की शादी किया गया, छोटे भाई की
शादी हम लोगों ने यहीं से की। फिर गांव से आना जाना, प्रेम भाव, भाई लोगों से अच्छा संबंध, बहुत मधुर ही होते गया। फिर बच्चे भी मेरे 3 हैं, बड़ा बेटा है जो अभी वर्तमान में रेलवे में है, कंट्रोलर, दो बेटियां हैं जिनकी शादी मैं कर चुका हूँ, दोनों बेटी और दामाद दोनों सर इंजीनियर हैं, दोनों अच्छे पोस्ट पर अपने काम कर रहे हैं। छोटा भाई और बहू जो है हजारीबाग में अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका अपना निजी व्यापार है, छोटे भाई का और बहू का स्कूल में शिक्षिका हैं। इसी दरमियान बैंक में कार्य करते हुए वहाँ के लोकल और अच्छे पैसे वाले लोगों से भी मेरा संबंध बहुत ही अच्छा और मधुर है। वो लोग अक्सर, हाँ अभी कुछ भी होती है तो शाखा प्रबंधक के पास ना जाकर सीधा मेरे पास ही आते हैं और आकर अपनी जो भी समस्या होती है वो मुझसे निदान कराकर चले जाते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, अनपढ़ हैं, कि जो जिस दिन अगर मैं बैंक ना जाऊं तो वो अगर आती हैं तो अगर मुझे ना देखा अपने सीट पर तो वो लोग बिना पैसा लिए लौट जाते हैं कि नहीं बाबू नहीं है, हम आज पैसा नहीं निकालेंगे, वो आएंगे तो हम पैसा निकालेंगे। उसको विश्वास हम पर अटूट है कि वो सही हमारा काम कर देते हैं। हमारे सहकर्मी भी हमारा सहयोग करते हैं, ब्रांच की कोई भी समस्याएं होती हैं या बोकारो जिले के अंतर्गत भी अगर कोई बैंक ऑफ इंडिया में समस्याएं हुई तो मुझे कॉल किया जाता है, मैं जाकर वहां पर प्रबंधन के साथ मिल बैठकर उसका निदान करता हूं और समुचित व्यवस्था करा देता हूं। पब्लिकों में चाहे वो बड़े पैसे वाले हों या गरीब हो, सभी का स्नेह प्रेम मेरे साथ अटूट है और उन लोगों का मुझ पर विश्वास इतना है कि जितना वो लोग अपने घर के परिवार पर नहीं करते हैं। '86 में हम दोनों की शादी हुई, यहाँ 3 जून से इनके साथ में रह रही हूँ। तब से आज तक का सफर तो बहुत अच्छा है, आगे भी भगवान करे कि सब अच्छा रहे। और ऐसे इनके साथ हम कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत सपोर्टिंग सर्विस में भी, एक ही में हमारी इच्छा थी कि थोड़ा आगे बढ़ें, ये ट्रांसफर लें, प्रमोशन लें, लेकिन ये नहीं लिए, यही तकलीफ रह गया। और बाकी सब ठीक ठाक है, घूमने भी ले जाया करते थे लाइफ में, पहले एक बार 1 महीना के लिए हमको टूर पे ले गए हैं, उसके बाद फिर कभी नहीं ले गए। हर एक बैंकर की वाइफ का ये रहता, मन रहता है कि 3-3 साल में मिलेगा, लेकिन ये सब लैप्स करते गए, लेकिन घुमाने नहीं देंगे। बच्चा लोग का सब पढ़ाई लिखाई सब यहीं पे हुआ। और इनका सबसे बड़ा ऐतिहासिक चीज है कि जिस ब्रांच से ज्वाइन किए उसी से इनका रिटायरमेंट भी हो रहा है, उसी ऑफिस से। शुरू शुरू में तो हमको थोड़ा तकलीफ लगता था एडजस्ट होने में, माने ये कि ट्रांसफर नहीं ले रहे हैं चाहे कुछ भी, लेकिन अब धीरे 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 हम लोग कंप्रोमाइज कर लिए तो फिर सब लाइफ बहुत बढ़िया हो गया, इजी हो गया। और ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं, अब बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से हुआ, उसमें भी ये मैनेज हुई, सबके घर परिवार सब बच्चा लोग के चलते ही समझाए हमको कि नहीं दो जगह का ये हो जाएगा तो मैनेज करना, ठीक नहीं हुआ तो फिर बात को समझ गए, फिर अच्छा रहा। ये तो गुस्सा नहीं करते थे, हम ही इनके ऊपर गुस्सा कर देते, ये भी तो बहुत हम लगती है कि मेरा परिवार, जैसे मेरे सास ससुर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सिस्टर इन लॉ, सब ननद लोग साथ में रहती थी, सब बच्चे का एक ही साथ ये हुआ, परवरिश हुआ, हमको बच्चा संभालने में कोई दिक्कत नहीं हुई, दादी बाबा और बुआ लोग सब मिलकर। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, जो आज भी सब देखने को मिल रहा है सब एकजुट। शुरू में केवल बच्चा उच्चा को जैसे स्कूल भेजना,
और इनका तो उसमें भी थोड़ा दौड़ भाग करके 10 बजे तक हो जाती थी, जल्दी जल्दी नहीं हुआ तो भुजिया पराठा ही दे करके भेज दिए इनको, उसमें भी गुस्सा नहीं करते थे। कभी 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 ऐसा भी हुआ है कि टिफिन छोड़ के चले गए तो पीछे से भिजवाना पड़ा, ड्यूटी के लिए पूरा समय का पाबंद है इनका। लंच छूट जाए, लंच बॉक्स घर में छूट जाए, लेकिन ये नहीं, ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे, चाहे ड्यूटी में लेट नहीं करेंगे। हम भाई बहन में सबसे बड़े हैं, हमारे बाद एक छोटे भाई हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हुई। इन हमारा अपना शौक था जो कि मेरा भाई कोई बैंक में हो। हमने बहुत जोर दिया इनको कि आप बैंक का तैयारी कीजिए, लेकिन मेरे भाई ने मेरा बात मान करके इन्होंने बैंक की तैयारी की और एग्जाम वगैरह दिए, पहला बार में ही निकल गए। बहुत खुशी हुई, दुनिया का खुशी हमको सबसे अच्छा लगा ये छोटे भाई भी हमारे बैंक में हो गए, बहुत अच्छा लगा। सही, बड़े भैया है मेरे, हम इनकी छोटी बहन है। इनका सबसे यादगार है कि मेरे शादी के ठीक 20 दिन पहले मेरे भैया ज्वाइन किए थे। सबसे मेरी खुशी का बात ये थी कि हमारे भैया का हमसे पहले मैंने नौकरी हो गया, हमारी शादी से पहले। हम लोग का एकदम छोटा भाई बहन बहुत प्रेम से रखते थे मेरे भैया, इनसे हम लोग बहुत डरते थे लेकिन बहुत अच्छा से हम लोग रखते थे। दीदी का याद उतना नहीं है लेकिन मेरे भैया, हम लोग एक साथ सब भाई बहन रहते थे, एक साथ पढ़ाई लिखाई हुआ, हम लोग इकट्ठे सब कोई एक साथ रहते। मेरे पिताजी का यहीं पर ट्रांसफर हुआ, पहले एक नंबर थे उसके बाद यहाँ आए, यहाँ पर हम लोग का पढ़ाई लिखाई हुआ, हम लोग का शादी ब्याह भी यहीं से हुआ, सब हम लोग एक साथ रह रहे थे। मेरा नाम डॉक्टर रामजी सिंह है, आए अरविंद जी हमारे छोटे साला हैं, जिन्होंने बच्चों की तरह हम लोग इनको पाले पोसे और पढ़ाई लिखाई में जहाँ तक हमसे बन पड़ा उसमें इनको सहयोग किया गया। और हम लोग चाहते थे, हार्दिक हमारी पत्नी का भी इच्छा थी कि मेरा भाई बैंक में हो जाए तो बहुत अच्छा रहता, तो हम लोग बहुत कोशिश करके, बहुत हमारे कुछ कलिंग थे बैंक में, उनसे हम कंसल्ट किए भाई कैसे कैसे एग्जाम होता है, उन लोगों ने हमको सहयोग किया और हम लोगों ने इन पर प्रेशर बनाया कि भाई बाबू तुम अपना करियर सुधारने के लिए बैंक में जाए तैयारी करो। तो इनका इच्छा था हारने के हम ठेकेदार बने, लेकिन हम लोग कहे कि नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं है, आप बैंक का तैयारी कीजिए और भगवान ने चाहा तो आपको सफलता मिल जाएगी। और इन्होंने बहुत लगन के साथ में मेहनत किया और अपने मार्ग को प्रशस्त किया और इन्होंने 40 साल का अपना योगदान बैंक को दिया, बैंक ऑफ इंडिया गुमिया में इनका 1984 में ज्वाइन किए और आज देखिए भगवान की दया से ये रिटायर कर गए। इसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि भगवान इनको दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि आप सभी को लेकर, परिवार को लेकर चलेंगे और स्वस्थ रहेंगे और व्यस्त रहेंगे। बड़े साला हैं अरविंद कुमार सिंह, हमारा नाम है मुरली प्रसाद सिंह, BSc इंजीनियरिंग किए हैं। जब हम लोग तेनूघाट हाई स्कूल में यहाँ पर पढ़े, शिक्षा प्राप्त किए, ये भी वहीं पढ़े हैं और ऐसा पारिवारिक संबंध हो गया कि एक शादी के बंधन में हम इनके परिवार से जुड़ गए। और जिस समय हमारा शादी तय हुआ उसी साल उसी महीने में इनका जॉब भी हुआ। बड़े भाग्य की बात है कि दोनों संयोग एक साथ से जुटा और इनका जॉब लगा, हमारा शादी हुआ उसी साल उसी महीने में, यही अप्रैल महीना में। और ये इस परिवार को इस तरह से लेकर चलते थे, अपने भगना भगनी, अपने लड़का से भी ज़्यादा भगना को मानते थे। जो कपड़ा लाते थे तो पहले भगना से पसंद करवाते थे मेरे लड़का से कि तुम पसंद करो, तुम कौन कपड़ा लेगा, इसके बाद अपने लड़का को देते थे। जो जो भगना पसंद करता था उसको पहले देते थे। इतना परिवार को बढ़िया से संजो कर रखे हैं कि हम लोग देख करके तंग हो जाते हैं कि ऐसा परिवार और ऐसा व्यक्ति इस समाज में मिलना मुश्किल है।
हम लोग के साथ बहुत ही प्यार और स्नेह मान सम्मान जितना दिए हैं उतना कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अभी तक से हम लोग को मान सम्मान देते हैं और हम यही चाहेंगे कि इनका जो बचा हुआ जिंदगी है वो बहुत बढ़िया से बीते, इनका परिवार बढ़िया से रहे, सब इसी सब मनोकामना के साथ इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं। मेरा नाम अमित है, घर में हमको सब कोई पिंटू बोलते हैं। हम ये मेरे बड़े भैया हैं, हम घर के सबसे छोटे हैं और चार बहन दो भाई हैं, हम लोग घर के सबसे छोटे भाई हम हैं। क्या बोलना है, ये मेरे बड़े भैया नहीं, मेरे गार्जियन हैं, भाभी माँ के समान है। ये हमारी दीदी और ये हमारे भैया हैं। आज के जमाने में आप लोगों ने अपने बच्चों के साथ भी सबको साथ नहीं देखा होगा, लेकिन हमारा घर जो है ये पूरे, हम तो पूरे दुनिया में बोलते हैं, ये एक ऐसा है जहाँ पे हम लोग ज्वाइंट फैमिली के रूप में चार ननद, हम लोग दो भाई, हमारे जितने भी बच्चे हैं भैया के, हम लोग सब एक साथ बहुत अच्छे से प्रेम से रहते हैं। और गांव में भी जो हमारे रामपुर में, वहां भी हम लोग ज्वाइंट ही फैमिली है। और 2004 में हमारी शादी हुई थी, एक दिन हमें वो भी याद है कि बिजली कड़क रहा था और मैं बहुत डर रही थी, मेरे हस्बैंड और सबको ना और मेरा मजाक उड़ाया, पर ये भैया आकर के सबको बहुत जोर से डांटे कि क्यों तुम डांट रहे हो, ये अपनी कभी भी हमको भागो नहीं समझे, ये अपनी बेटी के समान मुझे अभी भी समझते हैं। आज भी मुझे कहीं भी किसी चीज के लिए डर चिंता कुछ भी नहीं होती, बस लगता है कि बस जीना है, इंजॉय करना है, आगे तो भैया देख ही लेंगे। इनके लिए मेरे एक एक शब्द जो है वो 100 शब्द के समान है। इन्होंने बैंक से नौकरी से लेकर के घर तक अपना पूरा कर्तव्य जो है 100% निभाया, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। मेरा नाम यथार्थ गहलोत है, घर में सब रिक्की बोलते हैं। पापा कभी भी डांटते थे तो हम बड़े पा के पास छुप के आ जाते थे, तो फिर डांट नहीं पड़ता था घर में। अभी भी कुछ भी होता है तो दीदी को कॉल कर देते हैं, या कुछ भी खाने का मन करता है तो बड़े पाओ को फोन कर देते हैं, तो वो ऑर्डर करके पहुंचवा देते हैं। बड़ बेटा बारा सब लोग के मिल के पांच भाई बारा, पांचों भाई के मिल के मिला के चलेगा, और सब परिवार के बुझे बारा अपना साझा से, या हमारे साझा बेटा सब लोग हमारा अथी में शामिल हो। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, पिता श्री रामनारायण सिंह, इनका ग्राम पोस्ट रामपुर कला, थाना खैरा, जिला सारण का निवासी है। हमारे पिताजी दो भाई थे, बड़का पिताजी का नाम लक्ष्मण नारायण सिंह था, उनको दो लड़का, बड़े भैया अरविंद सिंह हैं और छोटा अमित है, और हम लोग तीन भाई। भैया हमें शुरू से शिक्षा दीक्षा भी मेरा यही हुआ। सबसे बड़ा बात है कि हमारे पिताजी और बड़का पिताजी ये दोनों आदमी स्वर्ग सिधार गए, लेकिन अपने जिंदगी में आज के युग में भी अलग नहीं हुए, और उसी रास्ते पर हमारे बड़े भाई हैं। कि भैया का कहना है कि जिस तरह चाचा और पिताजी निभा दिए अनिल, उसी तरह हम लोग का भी संबंध निमह जाना चाहिए। और भैया बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस किए और एक ही बैंक में ज्वाइन किए और उसी बैंक से आज रिटायर हो रहे हैं, केवल अपने माता पिता के सेवा के लिए, परिवार के उन्नति के लिए ये अपना प्रमोशन नहीं लिए हैं। कहीं कहीं जाते तो आज बहुत बड़े अफसर से रिटायर करते, लेकिन माता पिता का सेवा और भाई बहन का सबका शिक्षा दीक्षा अच्छा हो, मैंने इनका एक नंबर में मैंने इनका यही स्थान था, माता पिता की सेवा के लिए ही गोमिया बैंक में ही रह गए। भैया भाई जैसा नहीं, हम लोग का अपना पुत्र के समान सभी भाई को इज्जत किए हैं, और हमेशा पूछते रहते हैं कि अनिल कोई बात का चिंता नहीं करा, जो भी जितना भी पैसा कर सकता हो तुम आगे बढ़ो, हम तुमको मदद करेंगे। उसे ये बड़े भाई नहीं एकदम पिता तुल्य हैं,
और इनका ऋण हम लोगों से इस जिंदगी में नहीं दिया जाएगा, और इनके आशीर्वाद से हम गांव पर 2001 से लेकर 2005 तक मुखिया रहे। मेरा नाम विजेता है, ये मेरे मामा जी हैं और ये बेस्ट मामा जी हैं हमारे लड़के, और मामा जी का जो प्यार है, मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि हमेशा ऐसे ही बना रहे और मामा स्वस्थ और मस्त रहें, ये मेरा शुभकामना है मामा के लिए। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, ये मेरे मामा जी हैं और बचपन हम लोग का यहीं पर बीता, मामा मामी का प्यार बहुत ज्यादा मिला हम लोग को, और मामा जी का जर्निंग ज्वाइनिंग करते हुए या रिटायरमेंट दोनों देख लिए हम लोग। बाद से प्रार्थना करते हैं कि मामा जी स्वस्थ रहे और मस्त रहे। मेरा नाम प्रियंका है, ये मेरे मामा है, और ऐसे मामा मामी सबको मिले, इनके तरफ से इतना प्यार मिला कि आज भी उसको याद करके आंख भर आता है। अच्छा लगता है यहाँ, और यहाँ का याद जो है वो बहुत सारा है, और दुआ करते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मामा मामी हमेशा ऐसी खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसी प्यार देते रहें। मेरा नाम मिठू है, मेरे मामा है, बचपन मेरा यहीं बीता है, बहुत दिन तक रहे हैं, लगभग 25 साल में मेरा यहीं गुजरा है, और मामा इतनी लंबी सर्विस के बाद रिटायर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रिटायर कर गए और आगे हेल्दी रहें। हम लोगों की यही शुभकामना। मैं रणवीर सिंह, वाइफ ऑफ सुनील सिंह, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और मेरा ये जो फैमिली रिश्ता है, ये हमारे रिश्ते में हमारे जेठ लगते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे फैमिली को साथ में ले चलने का। बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसे ही आगे भी हमारी फैमिली खुशहाल रहे और एक साथ रहे, और आगे इनके स्वस्थ और हेल्दी और खुशहाल रखने की कामना सभी की तरफ से। रिटायरमेंट की शुभकामनाएं, वो खुश रहे। हम सभी लोग आपको अपने तरफ से, हम सभी के तरफ से सेवानिवृत्ति के अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करते हो। आपने बेदाग छवि के साथ आपने किसी भी प्रकार का कोई स्वस्थ स्वच्छ रूप से आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। 40 और हमको लगता है इतिहास में नाम दर्ज होगा कि जहाँ ज्वाइन किए थे, और मैं उसी जगह से आप अवकाश प्राप्त कर रहे हैं, हमको लगता है कि ऐसा इतिहास। मेरा कहना यह है कि आप सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायर हुए हैं, टायर्ड नहीं हुए हैं, और इनका साथ हमेशा हम लोग का गुरु और संकट में, सुख में, दुख में हमेशा मिला है, और ऐसे ही हमारा साथ मिलते रहे, यही शुभकामना। हम सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे बड़े भैया हैं, लोग बचपन से इनको आदर के समान एकदम बहुत ज्यादा मतलब ये क्या देखे हैं, और क्या बताऊं इनके, जितना आभार कर सकती हूँ कम है इनके लिए। भाभी भी हमारी माँ के समान है, दोनों हमारे पेरेंट्स हैं। कभी मम्मी पापा की महसूस नहीं होती है लोग। मामा के रिटायरमेंट पार्टी है, तो हम लोग स्पेशली डेली से इनके लिए आए हैं, और मेमोरी तो यही है कि जब हम लोग नानी घर आते थे तो हमें बैंक जाने से पहले ही सेंटरों में घुमाया करते थे, मंदिर से लेके। मेरा नाम संकल्प है, एंड वी विश हिम अ हैप्पी रिटायरमेंट। मेरा नाम सक्षम है, बड़े मामा को रिटायरमेंट की बहुत ही। हम बाइक पे बहुत घूमे, बैंक जाने से पहले और आने के बाद भी। कार्तिक है, मेरे पापा और मेरे पापा से भी बढ़ के हम तो यहीं पे बहुत साल रहे, इन्हीं के साथ 5 साल से।
विगत 5 साल से ये हम लोग के साथ मेरा रहा था। इस साल 11th वोट देने के बाद यहाँ फिर से कोमिया से हजारीबाग गया है जयबीर में। ये बाहर पढ़ने गया हूँ। ये बाहर अपने घर से बाहर पढ़ने गया। मित्र है और हम लोग का 42 साल की मित्रता है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। जिस वर्ष इन्होंने अपना बैंक ज्वाइन किया था उसी वर्ष मैं भी यहाँ टेनू घाट में वकालत शुरू किया और उस वक्त से जो मित्रता अभी तक चली आ रही है तो मित्रता कम भाईचारा ज़्यादा है और हम लोग एक भाई के तरह हम लोग अभी तक निभाते चले आ रहे हैं और ईश्वर से ही कामना करते हैं कि आगे भी इनके रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग की जो संबंध है वो बरकरार रहे। चलिए आपका ये रिटायरमेंट का जो समय है भगवान आपको सफल बनाएं और इसी तरह जिंदगी हंसते खेलते बिताएं। हाँ, मेरा और इनका जन्मदिन 4 नवंबर को एक ही तारीख को होता है और दोनों हम लोग एक ही साथ अपना बर्थडे मनाते हैं और जो हम लोगों का संबंध शुरू से आज तक है भगवान करे यही संबंध भविष्य में भी रहे। कुमार सिंह सिजुआ धनबाद से आया हूँ। हम कविता सिंह, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई के हैं। बहुत बहुत बधाई रहेगा कि हमेशा हंसते रहे, बस यही हम लोग की मनोकामना है। इस जमाने में इस टाइप के आदमी होना इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है अपने आप में। हम लोगों की जॉइंट फैमिली रही है, वो जॉइंट फैमिली केवल नहीं एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली, उसको मैनेज करके चलना और सबसे बड़ा बात जो सब लोग कई बार बोले थे लेकिन सही में जिस ब्रांच में वो ज्वाइन किए वही ब्रांच से रिटायर हो रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ उसका रीजन फैमिली, मतलब वो जो फैमिली मैन सीरीज आया ना उसके एक्चुअल अगर कोई हीरो बनना चाहे तो मेरे पापा ही है, फैमिली मैन एक्चुअल फैमिली मैन वही है। और एक होता है ना कि हम लोग का जो भाषा है हम लोग बोलते हैं तो हम लोग सिर्फ वो टोन में अपने हैबिट में हम लोग बोलते हैं बट एक्चुअल हम वर्ड जो है ना वो पापा को ही पता है, वो अभी मैं जानते ही नहीं है। मन हमारा अरविंद जी के साथ रिश्ता हुआ, इनके बड़ी लड़की के साथ एक परिवार मेरा, एक परिवार अभी लगता ही नहीं है कि कोई दूसरे कोई है, अपने हैं और अपने ही जैसे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, जब इनसे मिलना होता है तो मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, मुझे अपना अपनापन बहुत ज्यादा था। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। होठों से बिजली चमके जब जब तुम उसे काती है, सारी हसीनाओं से हंसी तो हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। चमका मेरा चेहरा सामने जब तू आया, ओ, 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 तुझे लगा
आशिक मुझे बनाया, हर पल हर दिन हर दम तुझको देखना चाहूं। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।